क्या ये होना चाहिए कि पाकिस्तान जब तक किसी भी तरह के आतंकवाद का समर्थन कर रहा है पूरी दुनिया को पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना बंद कर देना चाहिए? ये सरासर आप लोगों के इल्जाम है। पाकिस्तान ने किसी ऐसी एक्टिविटी गूफी पेंटल साहब इस पर प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। गूफी पेंटल साहब आप जी कोई मुलावस नहीं है, सुनिए सुनिए गूफी पेंटल साहब को सुनिए जी। जनाब साहब प्लीज आप इस वक्त पॉलिटिशियन मत बनिए, एक ह्यूमन पत्रकार बन के आप ये सोचिए न्यूट्रल। एक बात मुझे समझाइए, स्पोर्ट्समैन होता क्या है? स्पोर्ट्समैन वो होता है जो के अच्छा आदमी हो, गुड ह्यूमन बीइंग, एंड यू नो ही शोज हिज ब्रिलियंस इन द स्पोर्ट्स। जैसे कि हमने अपने टोक्यो में बताइए आपके पाकिस्तान ने कितने मेडल्स लिए हैं टोक्यो में या ओलंपिक्स में या इंटरनेशनल क्रिकेट में या किसी चीज में भी या किसी भी स्पोर्ट में। आई एम टेलिंग यू ओनली वन थिंग, भैया अच्छी तरह आप मर्डर्स करना बंद कीजिए। हम स्पोर्ट्स के लिए रेडी होते हैं, आप अगर बंद नहीं करोगे तो यहाँ भी एक्शन का रिएक्शन तो होगा ही। नहीं देखें, हमारा इसमें मैं आपको एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखें जो स्पोर्ट्स है ना, स्पोर्ट्स कोई भी है, अभी देखें रिसेंटली टोक्यो ओलंपिक्स हुई है, जो आपके निहाल चोपड़ा था तो अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने, मतलब गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा उन्होंने परफॉर्म किया, इवन अरशद नदीम हमारा फाइनलिस्ट था। मतलब इनके अगर हम आपस में रिलेशन देखें तो एज ए स्पोर्ट्समैन इनके बड़े अच्छे रिलेशन है। अगर हम क्रिकेटर्स की बात करते हैं तो हमारे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की, फिर उनके साथ अगर इंडियन जो क्रिकेटर्स हैं इनके आपस में बहुत अच्छे रिलेशन है। फिर माशाल्लाह हमारे शुएब मलिक जो उनकी वाइफ है किसी की बात नहीं हो रही, व्यक्तिगत अच्छे संबंध है, क्रिकेटर्स के अच्छे संबंध है। आप व्यक्तिगत आप भी भारत आएंगे आपका भी बहुत स्वागत होगा, आप भी भारत आए होंगे या आप आएंगे तो आपका स्वागत होगा, यहाँ से भी लोग वहां जाएंगे, कोई पत्रकार जाए कोई स्पोर्ट्समैन जाए उसका स्वागत होगा। हम इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे, आप ये कह रहे हैं कि आप अलग करिए क्रिकेट को और पॉलिटिक्स को, लेकिन वो अलग नहीं हो सकती क्योंकि आपके मुल्क में क्रिकेट और पॉलिटिक्स, आपके मुल्क में क्रिकेट और एस्टैब्लिशमेंट मिलिट्री जुड़े हुए हैं, मिले हुए हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।